नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आया हूं, जिसमें आप पोजिशनल स्टॉक्स ले सकते हैं, पोजिशनल इसमें पोजिशन बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। स्टॉक्स का नाम बता दूं, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड है, जो कि आपके सामने में डिस्प्ले हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन के रीजन के साथ इसका विजन, टारगेट, स्टॉप लॉस सब चीज़ डिटेल एनालिसिस करेंगे, और अगर आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक मिल जाए कमेंट सेक्शन में तो फिर मज़ा आ जाए। तो शुरुआत करता हूँ। इसके पहले मैंने एक और स्टॉक दिए हुए हैं दोस्तों, अभी आपको मैंने दिया हुआ है मदरसन सुमी का, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। दूसरा स्टॉक फिलिप्स कार्बन का सेलेक्ट किया। सबसे पहले आप देखिए, इसका आप छोटा चार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको नापना है ये चीज़ कि वॉल्यूम कितना कम था। पिछले 4-5 महीनों से वॉल्यूम इसको था ही नहीं, हालांकि फिर एक महीने यही पिछले जून मंथ में इसको वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है वो लगभग आज जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो हर एक वॉल्यूम का लगभग आपको ब्रेकआउट होता हुआ ही नजर आएगा। यहाँ पे आप देखिए, एक बार ये वॉल्यूम आया था 19 जून को, लेकिन उसके बाद जो आज वॉल्यूम आया वो सबसे बड़ा वॉल्यूम है 19 जून के बाद। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया। अब ये वॉल्यूम क्या है, ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का हो, लेकिन हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपने लेवल से मतलब होते हैं और पैटर्न से मतलब होता है। अगर वो पैटर्न और लेवल ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री बनती है क्लोजिंग बेसिस पे। तो फिलिप्स कार्बन ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, और पिछले 5 से 6 दिनों का जितना भी ये गिरावट हुई थी, उस सब गिरावट को इसने ख़त्म करके, एक तरह का जो प्राइस चैनल का गिरावट था उस प्राइस चैनल को ख़त्म करके बराबर कर दिया हिसाब। तो यहाँ तो हो गया कंप्लीट, हिसाब इसका डन हो गया, यानी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। एक पैटर्न बनाया हुआ था छोटा सा, राउंडिंग टॉप पैटर्न जिसको बोलते हैं, उस पैटर्न का भी ये रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँ, तो यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस ले रहा था, उस रेजिस्टेंस लाइन को भी ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर रहा है। यानी ये दो लेवल पे तो ये सक्सेस हो गया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, मज़ा आ गया। ये हुआ डेली के टाइम फ्रेम पे, वॉल्यूम प्लस दो पैटर्न को ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए, अब ये क्या किया फिलिप्स कार्बन ने, ऊपर से भी आप देखेंगे तो बहुत पुराना उसी तरह ट्रेंड लाइन का है। आप देखेंगे बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आके अपने आप को होल्ड कर रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन कब का रेजिस्टेंस है, 24 फरवरी के आसपास का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जून मंथ में लिया गया है, और उसके बाद आज जुलाई में इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। अगर मान लेता हूँ इस ट्रेंड लाइन को अगर ये इस तरह से ब्रेक करता है तो एक मोमेंट स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है। इसी ट्रेंड लाइन को मैं और आगे भी लेके चला जाऊँ तो पता चल जाएगा कि ये जनवरी मंथ का है, तो लगभग 6 से 7 मंथ पुराना ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश में लगा हुआ है फिलिप्स कार्बन। तो डेली के टाइम फ्रेम पे तो पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिख गया, तो इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, इसको हटा देते हैं। वीकली चार्ट पे ये हमें कैसा लग रहा है, क्या वीकली चार्ट भी मजबूत है, वो हम चेक कर लेते हैं अभी सिंपल, फिर इंडिकेटर वगैरह अगर आप लोग देखते हैं तो इंडिकेटर भी लगा देंगे। तो वीकली चार्ट पे देखिए, एक छोटा सा हैमर बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो हैमर इस लाइन का यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये कब का है, मार्च मंथ का रेजिस्टेंस है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी तेजी से वीकली चार्ट पे भी ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखिए इसके जरा हम लोग कुछ मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेज से सबसे पहले कौन सा प्लॉट करेंगे, हम लोग प्लॉट कर लेते हैं 9 डे का। चलिए 9 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट किया, और ये वीकली के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 डे के मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। इसके साथ ही अगर 9 के जगह हम लोग 26 को प्लॉट करें तो क्या बताता है कि 26 को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर रहा है। 50 को देखें तो 50 का रजिस्टेंस है, 100 को देखें तो 100 का भी रजिस्टेंस लेगा। लेकिन आप इसको चेंज करता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे, तो आप क्या पाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे कि 100 का ब्रेकआउट हो चुका है। 50 को चेक करें तो 50 का ब्रेकआउट हो गया, 50 के साथ अगर 26 को देखें तो 26 का ब्रेकआउट हो चुका है, 9 का देखें तो 9 को भी ब्रेक कर गया, 200 लास्ट बचा है तो 200 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो 9, 26, 50, 100 सब ब्रेकआउट है, 200 का रेजिस्टेंस है। चलिए, यानी कि एक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 200 को छोड़ दें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर टेक्निकली ये पैटर्न बना के बुलिश फ्लैग को ब्रेक कर चुका है, साथ ही राउंडिंग तो बॉटम को भी ब्रेक कर चुका है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। अब जरा MACD को चेक कर लेते हैं। MACD को ग्रीन लाइन और सिग्नल लाइन को येलो, और इसको मैंने थोड़ा डीप कर दिया। अभी देखिए क्या कर रहा है कि ये MACD क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे सट रहा है, आपस में कन्वर्ज हो रहा है, उसके बाद डाइवर्ज हो जाएगा, इस तरह से इसको ब्रेक करेगा ये ग्रीन लाइन ऐसे करके। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है
ये क्योंकि आपस में चिपकने की कोशिश कर रहा है। RSI भी लगा के अगर हम लोग चेक करें, और RSI क्या बता रहा है, RSI बता रहा है कि ये भी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कितने में ट्रेड कर रहा है RSI, यह देखिए RSI 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ से RSI इस तरह से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा ये जो है फिलिप्स कार्बन उसका पैटर्न क्या है। यहाँ से आप इसको आगे लेके चलते हैं तो हम पाते हैं कि फिलिप्स कार्बन भी सेम उसी तरीके से जा रहा है, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया, ऊपर की साइड में दिखाया ना, ये है ना, तो सेम डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, तो अच्छी चीज है। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ब्रेक करता है तो मजा आ जाएगा। अब MACD पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, RSI पॉजिटिव है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल चार्ट पे बुलिश फ्लैग को ब्रेक कर चुका है, राउंडिंग बॉटम को ब्रेक कर चुका है, साथ ही बॉटम ही मैंने आपको नहीं दिखाया, टॉप में भी है, ये स्टॉक्स राउंडिंग टॉप का भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ से देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको बेहतर बना रही है फिलिप्स कार्बन को, तो इस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है फिलिप्स कार्बन में शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के लिए। तो इसको भी क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि हम फिलिप्स कार्बन को जब कब लेके जाएंगे, ऑन क्लोजिंग बेसिस, याद रखना है आपको, बाय करेंगे बाय बब 106, एक 106 नहीं 105 ही काफ़ी है, 105 105 के ऊपर, जब ये 105 के ऊपर निकलेगा ना फिलिप्स कार्बन, तब हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे। इसके पास जब ये क्लोज कर देगा तब हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे, CNC में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। और इस कंडीशन में अगर ये 105 के ऊपर निकल के क्लोज करता है तो डिलीवरी लेके जाएंगे, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 98 रुपीज़ का, मतलब 98 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और इसमें जो टारगेट होंगे, दो टारगेट होंगे, इसमें कितने टारगेट होंगे, दो टारगेट, तो जो टारगेट वन होगा हमारा, टारगेट वन लिख देता हूँ, वो हमारा होगा 118 का, यानी कि 118 रुपये का फर्स्ट टारगेट होगा। और जो सेकेंड टारगेट होगा, यानी टारगेट टू की बात कर लेते हैं, तो टारगेट टू होगा 130 रुपये का, यानी कि 130 का। तो ये दो स्टॉक्स, एक स्टॉक मैंने पहले आपको दिया है ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन सुमी, और ये दूसरा स्टॉक फ्लिप्स कार्बन ब्लैक। आप इस दो स्टॉक्स पे अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करके पोजीशन बनाएं, सिर्फ मेरे कहे पर मत लीजिए, आप अपना भी इसमें स्टडी कर लें उसके बाद ही पोजीशन बनाएं, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।